ये कहानी है मौत की। जब मौत आती है सबको अपने साथ ले जाती है। इसी तरह इस खरगोश को और इस लोमड़ी को मौत आती है और मौत उन्हें ले जाती है। यह मौत का देवता है। इसका काम है जीवों का समय पूरा होते ही उन्हें इस मोह माया से मुक्त करना। अब मौत इस हिरण को लेने आती है। वह उसे छूने ही वाला होता है कि तभी हिरण पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन मौत हिरण को देखकर खुद को रोक लेता है, क्योंकि इतनी प्यारी हिरण को देखकर उसकी मन में दया आ जाती है और इसलिए उसे नहीं मारता। लेकिन तभी वह हिरण उससे भागकर दूर चला जाता है, जिसे मौत भी उसका पीछा करने लगता है। मौत उसे छूना चाहता था लेकिन वो मजबूर था, क्योंकि मौत जिस भी चीज को छूता है उसकी जान निकल जाती है। जब बारिश होती है तो मौत छत बनकर उसके ऊपर खड़ा रहता है। अब धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब हिरण अपने झुंड से अलग हो गया था और उसे झुंड में लौटना था, लेकिन उसे मौत को छोड़कर नहीं जाना था। हिरण मौत के पास आता है और उससे गले मिलना चाहता था, लेकिन मौत उसे ऐसा करने से मना करता है, पर फिर भी हिरण उससे गले मिलने लगता है। मौत खुद को रोक नहीं पाता और उससे गले मिलता है। मौत की हाथ लगते ही हिरण मर जाता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से पता चलता है कि मौत किसी की दोस्त नहीं होता।